हाँ नमस्कार, मैं सुरजर वीर सिंह चौहान। आज जिला चरखी दादरी के लड़ाके जो हमारा ओआरओपी का जो विसंगतियाँ चल रही हैं उसको लेकर के एक यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली लेके जा रहे हैं जंतर मंतर। पूरा रूट जो है उत्साह से भरा हुआ है। रास्ते में भी हमारी जो टीमें हैं इनका उत्साहवर्धन करने के लिए फूलमालाएं लेकर तैयार खड़ी हैं। और मुझे इस बात का यकीन है जो आज की जो रैली रहेगी पूरे देश में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में एक इंस्पिरेशन का जो है कारण बनेगी और पूरे देश का सैनिक इसको देख करके जागेगा। जो घरों में बैठे हुए हैं वो पूरे सैनिक भाइयों से अपील करते हैं, प्यारे सैनिक साथियों, कभी कभार आगाज होता है, ये एक किस्म से युद्ध है, सरकार से हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा और हमारे जो अधिकार हैं, जो विसंगतियाँ हुई हैं हमारे साथ, बहुत सारी डिस्पैरिटी हुई है, उसको देखकर के आओ मिल करके एक हुंकार भरें। और आज जो है यहाँ से जो आगाज हुआ है ये पूरे देश में एक बिगुल का काम करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो सोमवीर शर्मा साहब कहता हूँ, पूरे जो हमारे जिला चरखी दादरी के डूडी साहब, जितने भी सैनिक भाई हैं, आप लोगों ने कमाल कर दिया, पूरे देश को जगाने का काम किया है। रियली आप सैल्यूट के हकदार हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम वन रंग वन पेंशन की विसंगतियों के विरुद्ध हमारे सभी पूर्व सैनिक 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर जंतर मंतर पर बैठे हैं। उसी धरने को मजबूती के लिए व अपनी जायज मांगों के पूर्ति के लिए हम वहां सभी एकत्रित हो रहे हैं और एक इंस्पिरेशन का मैसेज देना चाह रहे हैं सारे भारत को कि जाग जाओ, हमारा जायज हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि आपने जो झूठे वादे हमारे साथ किए थे उसे पूर्ण रूप से लागू करो, या ये उनसे भविष्य में ये अनुरोध भी करते हैं कि इस तरह के झूठे शब्द भाग ना दिखाएं। मोदी जी ने 2013 में पूर्व सैनिकों की रैली में कहा था कि राज सत्ता में बैठे हुए लोगों को इनकी जायज मांगे दिखाई नहीं देती, आज वो सत्ता में उनको हमारी जायज मांगे क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं सुनाई देती, हमें मजबूर कर दिया है। 100 दिन होने को है, लगातार जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन चल रहा है। क्या चाहते हो कि सारे देश का सैनिक अंगड़ाई ले? अगर हमने अंगड़ाई ले ली तो उनकी का सिंहासन डोल जाएगा। हम उनको चेताना चाहते हैं अब भी समय है, हमारी जायज मांगे तुरंत प्रभाव से मान ली जाए, अन्यथा जिस प्रकार आपने हमें लोक लुभावने वादे देकर सत्ता में बैठे थे हम उसी प्रकार आपको अगले चुनाव में बाहर बैठाने का काम करेंगे। हमारी जायज हक तुरंत प्रभाव से हमें मिल जाना चाहिए।